नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम 500 MB या फिर 1 GB या 2 GB या 2.5 GB की वीडियो कैसे 5 से 10 MB में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, गूगल पर आप लिखेंगे हैंड ब्रेक लिख के आप सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप हैंड ब्रेक सर्च करेंगे, सबसे पहले ये आपका जाएगा, देखिए वेबसाइट है handbrake.fr, ये आपका ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर है। दैट मीन्स ये होता है कि बिल्कुल फ्री है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई ऐड नहीं होगा, कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, कोई लिमिट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, मतलब ये ओपन सोर्स होता है इसलिए पूरा फ्री है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो आपके यहाँ पे डाउनलोडिंग होने लगेगा, आप यहाँ से सेव कर सकते, देख सकते हैं 15 MB का है और इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। सो गाइस, मैं आपको एक और डिटेल बता देता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए कि आपके ये जब तक डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड तो हो गया है, तो जहाँ डाउनलोड होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैंने आप बस इंस्टॉल कर लेना यहाँ पर हैंड ब्रेक। इंस्टॉल में कोई ज़्यादा खास काम नहीं होता, लेकिन एक और चीज़ है, अगर ये इंस्टॉल करने के बाद हमें इसमें, अगर आपके कंप्यूटर में .NET नहीं है, .NET माइक्रोसॉफ्ट .NET होता है ना, वो नहीं है, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप इस हैंड ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि वो जैसे ये हैंड ब्रेक है, ऑटोमेटिकली ये ओपन नहीं होगा। जैसे अभी तो ये ओपन हो गया है, तो ये ओपन नहीं होगा, ये सीधा क्या होता है, इसमें वो बोलता कि आपके कंप्यूटर में .NET नहीं है, इसलिए आप पहले डाउनलोड करें, तो यहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो .NET जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वरना आप कहेंगे यार सर आपने क्या बताया कि कुछ चल ही नहीं रहा है ना। चलिए अब हम एक वीडियो देख लेते हैं। जैसे हमने फाइल पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं कोई भी एक वीडियो है, जैसे ये है, इस पर देखिएगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, वीडियो है 252 MB की, 252 MB, ठीक है। तो ये कोई फर्जी वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि देखो ये वाकई में होता है, और वो भी फ्री में होता है, और बहुत आसानी से होता है। तो इस पर क्लिक करूँगा मैं, और इसको ओपन कर देंगे। चूँकि ये अभी कितने का था, 252 का था, तो ये है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पे MP4 लिखा है, डायमेंशन आप देख लेंगे, वैसे तो जनरली यहाँ पर आपके रिजोल्यूशन लिखा है। देखो यहाँ पर क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो 500 अभी 250 MB का या फिर 1 GB का कोई भी वीडियो होगा ना, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे देखिएगा ये इतनी सारी स्कीमें हैं, इनमें से मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, छोटा, तो 720 चल जाएगा, 720 कर दीजिए आप, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहाँ गया वो किसी भी चीज़ से कोई छेड़खानी नहीं करनी, अगर आप बहुत ज़्यादा ही जानकार हैं और आपको नॉलेज है इन सब चीज़ों का, तो आप करिए छेड़खानी, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। वेब ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, बस वेब ऑप्टिमाइज़ पर जरूर क्लिक कर दे, और यहाँ पर देखिएगा नीचे जो सेव अज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, वरना आप कहोगे क्या कर दिया। यहाँ पर आपको बस MP4 लिखना पड़ता है खुद से, या ना बस P4 लिखना है, और यहाँ पे ठीक है ना, इतना समझ गया, बस यहाँ पे स्टार्ट इनो कोड पे क्लिक कर दी। देखिएगा आपके सामने कर रहा हूँ, चूंकि ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, मतलब मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, मैंने ओवरराइट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे स्टार्ट हो गया, स्टार्ट और पॉज, यहाँ पे देखिएगा चल रही है इसकी रीडिंग 12%, 13%, ये यहाँ पे बिल्कुल इसका सिस्टम चल रहा है। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है गाइस कि ये जो वीडियो है बिल्कुल ही फ्री है, कोई ऐड नहीं है आपका। सबसे बड़ी बात है कि आपके ये यूज़र फ्रेंडली है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और मैं इसका यूज़ करता ही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं गिरती है, जो वीडियो की क्वालिटी रहती है वही रहती है इसके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पिक्सल फट जाए, उसके कुछ हो जाए, बिल्कुल जो ओरिजिनल, आप तो मतलब बिलीव ही नहीं कर पाएंगे ओरिजिनल और इसमें क्या डिफरेंट है। देखिएगा इसे इनोकोडिंग 100% हो गया, ये लिखा गया क्यूड फिनिश हो गया है यहाँ पर। तब आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, तो वैसे भी आपको यहाँ पर मैंने जो इसका जो एक पर्टिकुलर वो है, मतलब इसका जो आउटपुट एरिया है वो हमारा कहाँ जा रहा है, मेरा देखिएगा सेवर्स पे लिखा यूज़र PC और वीडियोज़ में, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पर मैं वीडियोज़ में जाऊँगा। आप वीडियोज़ में देखेंगे यहाँ पर नीचे जो इसका नाम था ये रहा, ये देखिएगा 2 है, मैंने ओवरराइट किया हुआ था, ये देखिए। अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ खुद देख लीजिएगा आप, मात्र 39 MB का ये वीडियो बचा है, मात्र 39, वो भी 720 पिक्सल, और मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। friends, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल क्वालिटी जो इसकी है वही ओरिजिनल क्वालिटी चल रही है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हुआ है, और जो ओरिजिनल वीडियो बिल्कुल उसके जैसा ही चल रहा है। और आप खुद से करके देख लीजिएगा, तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
तो 250 MB का वीडियो आपका मात्र 39 MB का हो गया गाइस। आप चाहते इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 720 पिक्सल का है, आप इसको 480 में करते तो हो सकता है ये 14 से 15 MB या फिर 10 MB का ही बचता, लेकिन क्वालिटी सेम रहती, क्वालिटी चेंज नहीं होती। तो गाइस इसलिए आप हैंड ब्रेक टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करिए, आपको यूज़ करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए। अगर आपको वीडियो वाकई यूज़फुल लगा और अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।